फ्रेंड्स, मेरा पास है रेडमी नोट 12। इस फ़ोन पर देखिए टॉकबैक ऑन हो चुका है। तो टॉकबैक ऑन होने के बाद कैसे आप टॉकबैक को डिसेबल कर सकती हो? टॉकबैक को डिसेबल करने के लिए आपका जो दो उंगली है, दो उंगली से आपको सेट को ऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए दो उंगली से सेट ऑपरेट हो रहा है। तो पहले क्या करना होगा, टॉकबैक को बंद करना होगा। टॉकबैक को बंद करने के लिए आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। आपको दो उंगली से सेट को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना होगा, सेटिंग्स को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो चुका है तो आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा। दो बार प्रेस करने के बाद ऐप्स ओपन हो जाएगा। ऐप्स ओपन होने के बाद फिर से आपको दो उंगली से सेटिंग्स के ठीक नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स को सिलेक्ट कीजिए, दो बार प्रेस कीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी पर आपको प्रेस कीजिए, फिर से आपको दो बार प्रेस कीजिए तो एक्सेसिबिलिटी ओपन हो जाएगा। तो इधर आपको मिलेगा टॉकबैक। टॉकबैक को आपको बंद करना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा टॉकबैक का ऑप्शंस। देखिए इस तरह आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा टॉकबैक कहाँ पर है। तो बिशन पर मिल जाएगा टॉकबैक। बिशन को सिलेक्ट कीजिए, फिर से दो बार प्रेस कीजिए। करने के बाद इधर आपको मिल जाएगा टॉकबैक। टॉकबैक को प्रेस कीजिए, फिर से आपको दो बार प्रेस कीजिए। करने के बाद टॉकबैक देखिए ऑन है, आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो टॉकबैक को बंद करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टॉकबैक को। टॉकबैक सिलेक्ट होने के बाद फिर से आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको करना होगा स्टॉप। स्टॉप सेलेक्ट होने के बाद फिर से आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद आपका सेट पर टॉकबैक बंद हो जाएगा और आप जैसे पहले था वैसे आपका सेट हो जाएगा। तो थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।